राम के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही राम का अपमान करती आई है और उन्हें श्री राम के नाम पर कोई आस्था नहीं है, वो केवल वोट के लिए राम राम करते हैं। भूपेश बघेल जी का चेहरा बेआबरू हो गया है, बेनकाब हो गया है और जो उनके पिताजी का डीएनए उनके में है वो सामने आ गया है कि उनके पिता ने भी माता सीता और प्रभु राम के बारे में अभद्र शब्द कहे थे। अब कांग्रेस के जो बीजेपी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने प्रभु राम के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में बातें कही हैं और इससे अब यह साबित हो गया है कि भूपेश बघेल जी ना प्रभु राम का आदर करते हैं, ना उनका सम्मान करते हैं, ना कौशल्या का आनंद सम्मान करते हैं, ना हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। वो राम राम कालनेमी के रूप में, तारका के रूप में जनता रूपी हनुमान को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता इसका जवाब पूरे तरीके से देगी। ये कांग्रेस के आरोप पत्र के 82 और 83 बिंदुओं में इस बात का उल्लेख किया गया।